Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Bas. In today's video, we are going to discuss about chelation therapy, alright? And it is under the Unit 4 in Bio and Organic Chemistry. Okay, so without wasting any time, let's start the video. But before that, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe to it ताकि आपको further notification time to time मिलती रहे. Okay, और video end तक ज़रूर देखिएगा. अगर आपको topic समझ आए, then please comment section में बताइएगा कि आपके लिए video helpful रही या नहीं. Okay, so MSc का ये HPU के अंडर का topic है ये कि introduction to chelation therapy. Okay, इसी को हम इस video में discuss करने वाले हैं. Handwritten notes में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी, बट अगर आप नोट्स साथ में वीडियो को पॉज करके बना रहे हैं देन आप बना सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो देन यू कैन मेल मी ताकि मैं आपको पीडीएफ में नोट्स सेंड कर सकूं. ऑलराइट, तो चिलेशन क्या होती है ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही है, मतलब पढ़ा है हमने सारा चिलेशन का क्या क्या रोल था, किस तरह से वो चिलेट करते हैं. ठीक है, तो चिलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी डेंटेड लिगेंड. ठीक है, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की, किसी भी चीज़ को थेरेपी करनी किसी भी चीज़ की, इनकी डिजीज़ की. सो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ चिलेट्स, ऑलराइट, दिस इज नॉन एज चिलेशन थेरेपी. Now, what these chelate do? मतलब ये चिलेट करते क्या हैं? तो ये चिलेट क्या करते हैं कि मेटल आयन, जो मेटल कैटायन होता है, जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, बॉडी में हमारे में मेटल पॉइजनिंग कॉज कर रहा होता है, ये कोई भी प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है उसको ठीक करता है. कौन? ये मल्टी डेंटेड लिगेंड, कौन? चिलेट्स. ओके, तो ये क्या करते हैं, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और उसे बॉडी से रिमूव कर देते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करके. ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो EDTA यूज फॉर द कॉपर एंड ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट यूज फॉर आर्सेनिक एंड डायमरकॉप. ठीक है, तो ये तो हमने तीनों चारों चीज़ें जो हैं प्रीवियस वीडियो में देखी भी हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ चेक इट आउट, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. ओके, सो चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं. नाउ कम टू इट्स करेक्टरिस्टिक, कि करेक्टर क्या होने चाहिए चिलेटिंग लिगेंड के. ठीक है, बट उससे पहले आप, अगर बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि मैम स्क्रीन शॉट के लिए स्पेस नहीं मिलता, तो ये लीजिए स्क्रीन शॉट, यहाँ से मार लीजिए इसका और नोट्स बना रहे हैं देन तब भी इसको पॉज कर लीजिए. ठीक है, आफ्टर दैट कम टू द नाउ करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लिगेंड्स जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए. ठीक है, और स्ट्रांगली बाइंड करें ये मतलब मेटल एटम के साथ, हाईली सिलेक्टिव होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आर्सेनिक के लिए हमें EDTA यूज़ कर लें, या मतलब डिफरेंट लिगेंड नहीं यूज़ करेंगे वरना वो भी हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं. और ये मेटल एटम जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उससे कम टॉक्सिक होने चाहिए. ठीक है, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ, मतलब कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन साइट ये प्रोवाइड करवा सके मेटल को. ठीक है, और सेटिस्फाई कर सके कोऑर्डिनेशन साइट को, कि जिंक को अगर चार कोऑर्डिनेट होना है साइट से तो चार कोऑर्डिनेशन साइट्स प्रोवाइड करवा सके. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चिलेशन थेरेपी एंड इट्स करेक्टरिस्टिक. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.